अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, धरती टीवी न्यूज़ में भली कार आ गया आबादी टीम सबका पेरी शाम का नाज़रीन हेडलाइंस। शिदत पसंद दुरुस्त ना सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के पार्लियामेंट जारो जवाबदार पवो कड़ी शर्तन पाबंदी मड़ियल टीटीपी से जज्बंदी की है कुछ टोला अफगानिस्तान में जज्बंदी बावजूद नसम की रहा है जैसे तीन मसलन की पार न पकड़ी वाले मसला पेश किया रहा नेशनल एक्शन प्लान से अमल जरूरी है सियासी एजेंडा बढ़ाने लाए रियासत में सब जो इस्तेमाल करो शिदत पसंदी के मुंह देने लाए अपोजिशन ए हुकूमत जमात की सोच में एक गहराई आ गई। कराची में गैस की बंदिश से आफ्ताब सिद्दीकी ए कैप्टन रिटायर्ड चमी का पीटीआई से टे एमएनए शकू शाहजी के तवानाई बारे वफाकी वसीर से तनकीद हमाद अजहर की बरतरफी से मुतालबो संदस समायत हु लियारी से आवाम के हक लाए कौमी असेंबली समेत हर फोरम से एहतजाज क हुकूमत की बद इंतजामी सबब गैस के बहरान गर्मी ताइम लागी तो जारी रो प्रोपराइटर कंपनी से मुआदे सबब केतरा घेरा डिलीवरी में देर की लोडशी पैसन में 50 अरब रुपया इजाफो हुकूमत की गलत पॉलिसी सबब गैस शोबे को लोडशी कर सवा 1200 अरब रुपया सिंगापुर कंपनी का कोई इटली की कंपनी व एलएनजी फराम कर इनकार कर गैस की सप्लाई बंद होने सबब किला इस हेतु बंद किया है मुल्क में मिलल हुकूमत जिम्मेवारी खड़न लाए तैयार ना है पीपी सेनेटर शेर रहमान। मुल्क में गैस जो घोटालो शिदत इख्तियार करे वो घरेलू वापेदार लाए भी गैस सरलग सीएनजी स्टेशन लागी तो बंद होटलन बारा काठियों एलएनजी इस्तेमाल करण ते मजबूर सूबाई वजीर नासिर शाह चाहिवाज वफाकी वजीर फवाद चौधरी गलत बयानी का सिवाय कुछ ना ही कह फवाद चौधरी जैसे गाले वजीर से इल्जाम मड़ी है अटो महंगो थो तो निजो इल्जाम सिंध हुकूमत से मड़ी पो डॉलर जो मुल बढ़ने जो इल्जाम इमराद अली शाह से लगे छो एनएफसी एवॉर्ड में कटौती थी है कराची समेत सभी सिंध में गैस जो बहरान है गैस बहरान वफाकी सरकार की ना इन सबब थो सूबे समा वारे वफाकी वजीर फवाद चौधरी चाहिए टैक्स बिल में तरमीमू पार्लियामेंट में पेश कई वीं पार्लियामेंट ही उन फैसलो की मीडिया जो एक तबको बिना सहमत के हुकूमत का फैनेंस बिल से मौको पी वे खबर लाई वही तो फैनेंस बिल में तरमीमू पार्लियामेंट में बदरा ऑर्डिनेंस जरिए कई पी वन एसा ए पीटीआई से गठजोड़ सबब सूबन में नफरतू पैदा कई वही है ग्रेटर थल के नाव के सिदके हमेशा एतराज ए खदशा रहा वो चाहन था तो सभी सूबन के पैंसा हक मिलन कैसा ज्यादती न थे अड़ा मनसूबा न होजन घुर्जन जैसा सूबन विच में नफरत पैदा थे पीटी अखबार सोल यूनिवर्सिटी आज मीडिया से गालू सखर की अतसा बदलत अगुणे सूबाई वसी सोल यूनिवर्सिटी आज अगुरी जमानत में पेरी फेबरवरी ताई वाद कर छी संदस खिलाफ के की जांच हलन वे
वजीर आजम इमरान खान पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में मकानी इदारन के चूंडन लाए एक रुकनी सुप्रीम कमेटी कायम कर छी। सुप्रीम कमेटी जो पेरो इजलास अज इस्लामाबाद के तलब जरिए जो चवनाए कि इजलास में केपीके के मकानी चूंडन के बे मरहले बाबत सियासी हिकमत अमली जो फैसलो कर वो पंजाब में मकानी चूंडन की जंग बाबत व अहम फैसलों को इम्कान। कराची के शहर लाए खुशखबरी, ग्रीन लाइन बस सर्विस सुबह का शुरू थी। सर्विस महदूद ऑपरेशन सात सुबह 8 बजे का मंजिल 12 बजे ताई हलाई होगी। सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी के तस्मान मौजूद इंदर साल 9 जनवरी ताई ग्रीन लाइन बस मुकम्मल तौर पर होगी। शहीद मोहतरमा बेनसी भुट्टो की वसीयत के मौके पर सिंध हाईकोर्ट पारा 27 दिसंबर के मोकल जो ऐलान। 27 दिसंबर के सिंध हाईकोर्ट कराची सक्कर हैदराबाद सर्किट बेंच बंद रहेंगे। वफाकी सूबा स्पेशल कोर्ट पर 27 दिसंबर के बंद रहा। रजिस्ट्रार मोकल के नोटिफिकेशन जारी कर चुको। कोटड़ी की भिटाई कॉलोनी में नौजवान कत्ल, हथियारबंदन की जो दुकान पर वेठल इमरान रिजू के गोलू हणी कत्ल कर छो। मकतूल नौजवान से वाजन जो चवण है तो कैसा दुश्मनी ना पे। नौजवान दुकान खोले तो तार में वेठल हथियारबंदन मथस हमलो कर। मेहर बरसा गोठ सोलापुर में घर की भुट करण सबब घर धनी इमदाद को सो फौत संदस घरवारी बिन पुटन समेत सखनी लाड़काने अस्पताल मुंतकिल। कानपुर मरमी यूरिया भाण के अपराधों के खिलाफ मिठड़ी स्टाफ वट एहतजाजी मुजाहरों। जेल बैंक कारकुनन कंडेदार तारू रखी रोड ब्लॉक रच कर ट्रैफिक मुअत्तल बारे में अवामी तहरीक पारा एहतजाजी मुजाहरों कर वो भाण मांगो करे विकरो कंदड़न खिलाफ सख्त कार्रवाई से मुतालबो। ईरान के करीब जोहरी हथियार हासिल कर नलीना बींदा जोहरी मायदे के गालन ला ईरान वट महदूद वक्त है। अमेरिकी कौमी सलामती के सलाहकार जैक सलवन से मीडिया से गालू तेहरान ए पंच आलमी ताकत में जोहरी हथियार वारे मामले के गालू 27 दिसंबर से शुरू थी। कराची में तककर छाई अजपुर जो इम्कान मौसमियात खाते मौजूद सुबह के मुख्तलिफ इलाकों में आजर ए सूमर की तेज मीह पवंद। आजाद कश्मीर की नीलम वादी में बरसात बर्फबारी, पंजाब के खैबर पख्तूनख्वा में भी बरसात की अगर थी।